अच्छे होंगे और वीडियो को देखते होंगे साथ साथ, क्योंकि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूँ पोल्यूशन क्लास की। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज आते हैं, जिसके अंदर हमारे जो पहले जो वीडियो बनाई थी फंडामेंटल फोर्सेज के ऊपर, उसी तरह हमारे पास क्या होते हैं कुछ फिजिकल लॉज होते हैं जो क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, तो उनके ऊपर आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो देखो भाई, हमारे पास क्या होते हैं कुछ ऐसी स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, जो टाइम के साथ साथ क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि सम फिजिकल क्वांटिटीज, सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज रिमेन सेम विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं भाई, कंजर्व नेचर बोल देते हैं, यानी वो क्वांटिटी हमारी क्या होती है, कंजर्व होती है नेचर। तो दीज क्वांटिटी रिमेन कंजर्व इन नेचर। तो नेचर के अंदर कैसी रहती हैं, कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि जो चीज है उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है ना, उसकी वैल्यू यूनिवर्स के अंदर ज्यादा होती है और ना ही उसकी वैल्यू कम होती है, जितनी उसकी वैल्यू पहले थी यूनिवर्स के अंदर उतनी वैल्यू क्या रहती है, बाद में रहती है उसकी। तो देखो ये कौन कौन सी हमारे पास क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, जो लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, फर्स्ट हमारे पास ये क्वांटिटी है। सेकेंड हमारे पास क्या आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड हमारे पास आ जाती है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फोर्थ हमारे पास आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार हमारे पास क्या होती है, कुछ ऐसी स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो क्या रहती है, कंजर्व रहती हैं, इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है यूनिवर्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वांटिटी से, या फिर इसको फिजिकल लॉज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई हम अपनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि द टोटल अमाउंट ऑफ, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, All kinds of energy in the universe remain same। देखो भाई कि the total amount of all kinds of energy, जितने type की energy हमारे universe के अंदर, potential energy, kinetic energy, heat energy, light energy, sound energy, ये जितनी भी हमारे पास energy होती हैं, ठीक है, अगर हम इन एनर्जी का सम करते हैं तो इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर मान ले कोई एनर्जी कम होती है तब भी यूनिवर्स के अंदर इस एनर्जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, और अगर एक एनर्जी ज्यादा होती है तब भी इसकी जो टोटल अमाउंट हो क्या रहता है, फिक्स रहता है। कैसे, देखो हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, ऊपर से ये हमारा मार्कर है, अब इसके अंदर क्या है, हाइट है, हाइट से हाइट है आपके सरफेस के ऊपर, एच हाइट के ऊपर है। अगर मैं इसको ऊपर से गिरा देता हूँ तो नीचे जाएगा, और यहां पर जब ये फिक्स था तो इसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी हाइट की वजह से। अगर मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी नीचे जाते जाते इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी।
और जब ये नीचे जाकर ग्राउंड के ऊपर क्या करेगा, फ्लोर के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ तो इसकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारी काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी अंदर कन्वर्ट होगी, और जो काइनेटिक थी वो हमारी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन देखो, अगर एक एक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है तो हमारी जो हीट एनर्जी थी वो इंक्रीज भी तो हुई है, और जो साउंड एनर्जी थी वो भी हमारी इंक्रीज हुई लास्ट में। तो एक क्वांटिटी कम हुई है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो टोटल अमाउंट था वो क्या रहा, सेम रहा। अगर इससे भी अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं तो हम दो फ्रेंड्स मान लेते हैं, दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास क्या है 100 100 रुपीज हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है 200 रुपीज दोनों का मिला के। अगर एक फ्रेंड अपने 100 रुपीज दूसरे फ्रेंड को दे देता है, तो जो पहले वाला फ्रेंड था जिसने अपने रुपीज दिए हैं तो उसको उसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, और दूसरे के पास कितने हो गए टोटल 200 रुपीज हो गए। लेकिन जो टोटल अमाउंट वो भी कितना रहा, 200 रुपीज रहा। बेशक से चाहे एक के पास कोई एक भी रुपया ना हो और दूसरे के पास क्या हो 200, लेकिन जो टोटल अमाउंट वो तो हमारा क्या रहता है, फिक्स ही रहता है। तो यही चीज इसके अंदर आती है कि जो टोटल अमाउंट है ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी का इन यूनिवर्स, वो क्या रहता है हमारा, फिक्स रहता है। ये तो ये हमारी एनर्जी की बात। लेकिन देखो, हमारा जो मास होता है, मास भी हमारा क्या रहता है, एनर्जी के साथ मिलकर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। या फिर अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो मास हमारा एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है वो देखो। ये हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन आती है, आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन, आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन आती है, E इक्वल टू MC स्क्वेयर। तो E हमारे पास एनर्जी होती है, M क्या होता है मास, और C क्या होती है भाई स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बच्चा, जो हमारी डिपेंड एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास के ऊपर। तो जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ठीक है, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी मास हमारा क्या होता है, टूटता है ठीक है, या डिस्ट्रॉय होता है, तो जब हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करते तो हमारी एनर्जी कितनी निकल के आएगी, वेरी लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी निकल के आएगी ठीक है। तो थोड़ा सा जो मास है, जो मास होता है वो हमारा एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो भी फिर भी क्या रहती है भाई, हमारी कंजर्व रहती है इसके अंदर ठीक। तो ये हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो भाई, लीनियर मोमेंटम, सबसे पहले देखो लीनियर मोमेंटम होती क्या है। लीनियर मोमेंटम क्या होती है, जब कोई बॉडी होती है जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देती है ठीक है। तो जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी तो उसके अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस बोलते हैं। इस लीनियर मोमेंटम को हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखा देते हैं। और ये किसके इक्वल होती है, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, लीनियर मोमेंटम हो जाती है। यानी जब कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करके जाती है तो उसके अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस होती है उसको हम बोल देते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसको हम पी से दिखा देते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये लीनियर मोमेंटम है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हम क्या बोलेंगे भाई, इन द, अब सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड या इन द अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट।
टोटल लीनियर मोमेंटम होती है किसी भी सिस्टम की, वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, या कॉन्स्टेंट ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, अनचेंजिंग बोल सकते हैं भाई, कि वो अनचेंज रहती है। जब तक हम किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तब तक वो चीज क्या रहेगी, आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं भाई, लीनियर मोमेंट को कंजर्व करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, बुलेट फायर फ्रॉम ए गन। जब हम किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट क्या होती है, बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ आगे जाती है। लेकिन आपने नोटिस किया हो कि जो गन होती है वो भी जितनी वेलोसिटी के साथ या जितनी स्पीड के साथ बुलेट आगे जाती है, उतनी स्पीड के साथ जो हमारी गन होती है वो क्या होती है, वापिस आती है। तो जितनी लीनियर मोमेंटम गन के अंदर बुलेट के अंदर प्रोड्यूस हुई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतनी लीनियर मोमेंटम गन के अंदर प्रोड्यूस हुई है बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसको वो क्या कर रही है, फिर उसकी वैल्यू क्या करेगी भाई, कंजर्व करेगी, यानी उसको चेंज होने से रोकेगी, उसको अनचेंज रखेगी, ताकि जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगा, तो वो जो क्वांटिटी वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी एक्सटर्नल जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वैल्यू क्या रहेगी, आपकी अनचेंज रहेगी। नेक्स्ट हम करते हैं भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो भैया एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होती है, इसको एक होती है लीनियर मोमेंटम जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, एक होती है एंगुलर मोमेंटम जब बॉडी क्या करती है, हमारी रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट या किसी चीज के अबाउट। तो ये हमारे पास क्या होती है, जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम हम किससे दिखाते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से दिखा देते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी बॉडी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से दिखा देते हैं, और हम इसके साथ क्या लेते हैं भाई, उसकी एंगुलर स्पीड ले लेते हैं, एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो जो एल इसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, आई इंटू में ओमेगा। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होती है, यानी जब कोई बॉडी रोटेट करती किसी किसी एक्सिस के अबाउट, तो एक तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक उसकी एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड तो आप जान यहां से पता ही लग गया होगा कि जब बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी किसी एक्सिस के अबाउट या किसी बॉडी के अबाउट, दूसरी बॉडी के अबाउट, तो उसके अंदर जो स्पीड आएगी उसको हम बोल देंगे एंगुलर स्पीड, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अभी देखो, एक होता है इनर्शिया। तो देखो भाई हमारे इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम हमने बताया, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, अगर सबसे पहले हम इनर्शिया देखते हैं, इनर्शिया तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया तीन टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इनर्शिया बता दूं आपको तो यहां से क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो इनर्शिया की टाइप होंगे वो आपकी आगे एक्सप्लेन हो जाएंगे आने वाली यूनिटों के अंदर। तो इनर्शिया क्या होता है, इट इज द इनकैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन बाय इटसेल्फ। यानी कि इनर्शिया क्या होता है, इनकैपेबिलिटी होती किसी बॉडी की जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजिशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। उसकी पोजिशन को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, तब उसकी पोजिशन क्या होगी, चेंज होगी, वो होता है हमारा इनर्शिया। इनर्शिया हमारा तीन टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ मोमेंटम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पर हमने इसके अंदर बात की है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया ऑफ मोमेंट की बात की है। जब कोई बॉडी मोमेंट के अंदर होती है, चलती है, तो यानी किसके अबाउट रोटेट करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके अंदर जो इनर्शिया होता है क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका, तो उसको हम आई से दिखा देते हैं। तो ये हमारे एंगुलर मोमेंटम के ऊपर चलते हैं वापिस। तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो लॉ होता है भाई, कंजर्वेशन लॉ, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जैसे
इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, कि जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो सन के अबाउट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो किस में करेंगे भाई, उनका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट के अंदर रोटेट करने की उनकी जो एंगुलर स्पीड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और जब एंगुलर स्पीड फिक्स होती है और उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ऑर्बिटल हमारा क्या है, फिक्स है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फिक्स होगा, और यानी अपनी एंगुलर स्पीड के साथ, फिक्स एंगुलर स्पीड के साथ वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, ये क्या होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अबाउट या एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अबाउट एक सन एक सर्टेन ऑर्बिटल के अंदर रोटेट करती है, तो उसकी जो एंगुलर मोमेंट है वो किस तरह से कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो गैलेक्सीज का जो साइज होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि देखो आप बस इतना ध्यान रखना कि जिस भी चीज के आगे कंजर्व लग जाता है, कंजर्वेशन लग जाता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये चार क्वांटिटी है, इनके आगे क्या लगा है, कंजर्व लगा है, तो इनकी वैल्यू डेफिनेशन जो आप दोगे सभी की सेम डेफिनेशन हो सकती है कि वही अगर, लेकिन सिर्फ कहां पर चेंज होगा, जो हमारी क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो इनकी वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो हम चलते हैं अपनी लास्ट लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम कंजर्व करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स होती है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि चार्ज को हमने तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ की डेफिनेशन क्या देंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, लेकिन उसका भी जो टोटल अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एज एन एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि दो टाइप के मैंने आपको चार्ज बताए, पॉजिटिव चार्ज ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है हमारा प्रोटोन के ऊपर, जिसको हम पी पॉजिटिव से दिखाते हैं, और नेगेटिव चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसको हम ई नेगेटिव से दिखा देते हैं। अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलता है, अगर किसी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो देखो, जब हम दो बॉडीज को क्या करते हैं, एक साथ कॉन्टेक्ट में रख देते हैं, तो जिस बॉडी के अंदर चार्ज ज्यादा होगा उसके अंदर से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा उस बॉडी के अंदर जिसके अंदर क्या है, कम चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर होके चला गया, लेकिन जो टोटल अमाउंट है दोनों बॉडीज की मिला के चार्ज की, वो क्या रहेगी, फिक्स रही। पहले एक के अंदर कम था, एक के अंदर ज्यादा था, अब क्या हुआ, जिसके अंदर ज्यादा था उसके अंदर से चार्ज हमारा ट्रांसफर हो गया जिसके अंदर कम था, लेकिन जो टोटल अमाउंट है चार्ज की दोनों की मिलाकर वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंजर्वेशन लॉ होते हैं चार। तो देखो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिस भी क्वांटिटी के आगे कंजर्वेशन लग जाता है तो आपको बस इतना माइंड में आना चाहिए कि वो जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो टोटल वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। सिर्फ हम उसको क्या करवा सकते हैं, जैसे चार्ज की बात करते हैं तो ट्रांसफर करवाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, या फिर जो एनर्जी थी उसको हम क्या करेंगे भाई, उसको हम चेंज करेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं,
ये हमारे पास क्या होंगे, टोटल चार कंजर्वेशन लाते हैं जो आपको करने हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपने अगले पार्ट की बात अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक इस वीडियो के साथ आप बने रहें, और इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक लेकर आते हैं।